देखिए इस क्वेश्चन में दो इक्वेशन दिया गया है, एक्स प्लस वाई बराबर कुछ है और एक्स माइनस वाई बराबर एक मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दे रहे हैं, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स प्लस वाई है इजक्वल टू क्या है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है। 7025 का एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स हो गया। और एक क्या है, एक्स माइनस वाई है इजक्वल टू क्या है, एक मैट्रिक्स है 3003, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन आप सॉल्व करना जानते होंगे, एक्स प्लस वाई बराबर यहाँ पर कुछ रहता था यानी 5-6 कुछ भी रहता था, और एक्स माइनस वाई बराबर यहाँ पर कुछ रहता था तो उसको जोड़ घटा कर काट कर वाई को या एक्स को यहाँ पर कर देते थे, उसको निकाल देते थे। तो अब देखिए यहाँ हम देखिए वाई और वाई यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर प्लस में है, तो यानी दोनों को जोड़ेंगे तो एक कट जाएगा, ठीक है। तो दोनों को जोड़ दे तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक कट जाएगा। अब क्या बच गया, एक्स 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 क्या होगा, 2x हो जाएगा। और मैट्रिक्स को जोड़ना आप जानते हैं किस तरह से जुटेगा, ये देखिए पहला एलिमेंट को इसमें पहला एलिमेंट को जोड़ दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए, तो 7 और 3 कितना होगा, 10, और 0 0 कितना होगा, 0, और 2 और 0 कितना होगा, 2, और 5 3 कितना होगा, 8 हो गया। इतना 2x बराबर इतना है, तो अब x बराबर क्या होगा, देखिए x बराबर क्या होगा, 1/2, और जो है वही सेम रहेगा, 2 8। अगर आप 2 से इसको काटना चाहते हैं तो काट दीजिए, कितना होगा, 2 से यहाँ पर काटिएगा भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 5 होगा। यानी x बराबर क्या होगा, यहाँ पर 5 होगा, 0 में भाग दीजिएगा 2 से तो क्या होगा, 0 ही होगा। फिर 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 1 होगा, और 2 में 8 में 2 से भाग दीजिए कितना होगा, 4 होगा। तो ये आपका x का मान हो गया 5014। अब इसके मान में यहाँ पर इक्वेशन में ये वाला रख दीजिए, इसका मान कितना होगा, x प्लस वाई इजक्वल टू क्या है, 7025 एक मैट्रिक्स हो गया। वो x का मान आपको मालूम है 5014, तो इसको हम x के जगह पर रख दे रहे हैं, यानी 5014, ठीक है। ये हो गया एक्स का मान, प्लस में वाई और इजक्वल टू क्या है, 7025, ठीक है। अब वाई इधर है और यहाँ पर एक्स इधर है, ठीक है, तो इधर भेज दे रहे हैं तो वाई बराबर क्या होगा, इसमें से इतना घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर जाएगा जब तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस क्या होगा, देखिए डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, 7 में से 5 गया तो क्या होगा, 2 होगा, 0 में से 0 गया तो क्या हो गया, 0 ही हो गया, 2 में से 1 गया तो क्या हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पर 5 में से 4 गया तो क्या होगा, 1 हो गया। तेरा वाई का मान और यहाँ पर रहा एक्स का मान, तो दोनों मिलकर गया मान, आप लिख सकते हैं उसके बाद एक्स और वाई का मान इतना होगा।